भाइयों, कोड जो है देखो 30 इंची पे खूड है भाइयों, इसके 30 इंची पे लेजर बदरा गोला में देख लो, तम गोला जो है इसकी खड़ी सी पत्ती है, नहीं लटकती और गिनी चुनी पत्ती है, घनी पत्ती भी नहीं है। अच्छा, इस तरीके से गोला छोटा भी दिखा है ऊपर से। हाँ, गोला छोटा है ऊपर से, लंबाई नहीं है गोले की, छोटा है थोड़ा सा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज 11015 वैरायटी की बुआई कर रहे और ये बीज लेकर आए भाइयों सहारनपुर से, थोड़ा सा बीज मिल गया किसान भाई के यहाँ से और ये बहुत ही चर्चित वैरायटी है भाइयों। इस साल हमने भी सोचा कि ये बुआई करेंगे थोड़ी सी, और भाइयों ये बरसी का क्यारा बहाना पड़ा इसकी वजह से, और आज इसकी बुआई कर रहे 30 इंची पे बुआई कर रहे भाइयों। खूड पाट दिए सुबह ही और अभी बच्चे जो हैं बुआई कर रहे, ये देख लो जी 015 वैरायटी की बुआई कर रहे और खूड पाट रहे भाइयों, शुरू करे अभी से ट्रैक्टर चला रहा भाइयों। ये बरसी का कहरा बहना पड़ा 11015 वैरायटी की वजह से, ये बहुत चर्चित वैरायटी हो रही इस बार। हम भी देख ले भाई थोड़ा सा बोक है, और ये 1 बीघे करीब जगह है भाइयों, ये देख लो बरसी थी इसमें, ये कल इसकी जुताई करी और आज इसमें खूड पाट रहे। बीज लेकर आए शेरमऊ मिल से भाइयों, शेरमऊ मिल जो है उसके एरिया से किसान से लेकर आए, किसान भाई से, और 700 रुपये क्विंटल बीज दिया और बुग्गी लेकर आओगे, वो बुग्गी में खड़ा भाइयों भरा हुआ, थोड़ी देर में बुआई करेंगे। अब जो है अभिषेक खूड पाट रहा इसमें, इस साल बो का देखेंगे, और भाइयों बस खुद बो का ही पता लगेगा कि कैसा है ये बीज। वैसे तो फिलहाल बहुत ही चर्चित वैरायटी है और इसके जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। भाइयों आज कंछी की काटने की जिम्मेदारी है और कंछी कटवारे लगना पड़ा है इसमें, तो खेती है भाइयों, या तो इसमें कोई नहीं बचता। सारी दुनिया में रोला पड़ रहा, हम भी बो कर देखेंगे 11015 वैरायटी को। इतनी अच्छी काम तो चले जाए, ये देखो भाई ये मोहित बुआई का काम कर रहा भाई। मोहित ये झोली क्यों ली, ये झोली ली जी, जो तुम कंची ले रहे थे तो लग जाती। अच्छा, इस तरह नहीं रहा थी। अच्छा जी, अच्छा पीछे कंची निकल कर नहीं गिरती। नहीं जी नहीं गिरती, निश्चित बहुत ही आसान रहे तरीका, सबसे बढ़िया लगा थी मुझे। अच्छा, डर गई जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, झोली में कंची ली और अपना ऐसे बुआई करते रहो, बुआई करते फिर इसमें आसान नहीं रहा, हाथ पे जोड़ नहीं पड़ता। मोहित अकेला बो रहा क्योंकि थोड़ा ही है, और ये भी आ गया भाई अक्की भी आकर्षित, ये इसका सहयोगी है क्योंकि थोड़ा ही है, ये दोनों ही बो देंगे। ये देखो आकर्षित भाई, थोड़ा सा गैप सा रखियो। हाँ जी, थोड़ा सा गैप रखो इसमें, ज्यादा मिलाया कंची ना कह रही है। ये देखो जी, थोड़ा सा कंची के बीच में जो है गैप रखो जी। चलो
अभिषेक इतना छोटा बीज को कहाँ से मिला भाई? हो ये है जी, जिस किसान का था जुलाई का बोया है, और फिर वहाँ उस साइड में तुम्हें पता जमना चढ़ जा। अच्छा। तो उस खेत पर जमना चढ़ी। जुलाई में कहाँ से लाया बो दिया? उन्होंने मील वालों ने बोया रखा था, दूसरे किसान का उसके तला था वो, तो वहाँ का बोया उन्होंने। अच्छा, तो ये तो छोटा ही है। छोटा तो है पर ओरिजिनल है, धोखा धड़ी बहुत है रीस में बीज में। अच्छा, ओरिजिनल 11015 है। हाँ। तो क्या पहचान है भाई इसकी? एक तो उसकी आँख की है जी, आँख के ऊपर लकीर हुआ है। अरे एक पूरी देखो, पूरी लंबाई पर चला है इसके नीचे तो ऊपर वो। अच्छा। ऊपर वो लंबी होती चली जा। और एक आँख आँख इसकी दिल नुमा हो थोड़ी सी। अच्छा। और आँख के बराबर में जो मोर के पंख हो गए नूली कटरी देखो है। अच्छा, ये धारी सी भी हो या धारी भी हुआ है। अच्छा, ये पहचान दो, तीन पहचान है इसकी। और एक पहचान यह है भाई, मारा इसका गन्ना गिर जा था, नू गिर गया तो गोला मुड़ गया। यो जो है गन्ना ही मुड़ जा, जहाँ आधा धरती पर लग गया गन्ना वही तो मुड़ गन्ना हो जा ऊपर। अच्छा, दिखा दूंगा तो मैं बीच वीडियो में, जहाँ आयु गिर रहा मुड़ा हुआ गन्ना है इसमें भी। हाँ। गोला नहीं मुड़ा। हाँ। वहां तो गन्ना मुड़ना चल लो जा उसका। अच्छा, गन्ना ही मुड़ जा। हाँ। जो गिर रहा। हाँ। तो ये तो जो बंधाई करेगा, जहाँ जुड़ा आ जाएगा वहां भी मोड़ आ जाएगा इसमें। अच्छा, हाँ जी, ये ये ट्रेंच भी दिखा था वहाँ गन्ना। अच्छा, ट्रेंच का पर फिर भी बारीक है बस। बताया तो जी, जी वहाँ जमुना चढ़ गई उस टाइम पे, पानी सूखा नहीं तो उसकी है या। अच्छा, और फिर ये 8 या 9 महीने बैठा जुलाई तब लो, पूरा टाइम भी तो नहीं मिला था। हाँ, समय नहीं मिला पूरा। हाँ। तो वैसा ओरिजिनल है? वैसा ओरिजिनल है। ठीक ठीक, गोला में देख लो तुम, गोला जो है इसकी खड़ी सी पत्ती है, नहीं लटकती, और गिनी चुनी पत्ती है, घनी पत्ती भी नहीं है। अच्छा, इस तरीके से। और गोला छोटा भी दिखा है ऊपर से? हाँ, गोला छोटा है ऊपर से, लंबाई नहीं है गोले की, छोटा है थोड़ा सा, थोड़ा छोटा है। चलो थोड़ा सा बोलेंगे, पता लग जाएगा। रख नहीं, हाँ वो कर पता लग जाएगा। देखो भाई, चर्चित है पूरा, पूरी चर्चित चर्चा हो रही बीज की इसकी। देखो क्या नहीं, चर्चित वैरायटी तो है ही। ये देखो भाई, अभिषेक जो है भतीजा वो बीज कटिंग कर रहा, और यही बीज लेकर आया, इससे जानकारी ली मैंने। भाई कहाँ से लेकर आया तू इसे? ये देखो जी, ये बो दिए 2-3 फूट हो रहे, और इसमें जो है 21 फूट खाद दवाई, और जो डोज देनी है वो बाद में डाल लेंगे, वो भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या डाल लिया। ये देखो भाइयों, बीज लेकर आए शेरमाऊ के किसान से, और भाइयों ये हाइट है इसकी 11015 वैरायटी है, और ये बहुत ही पछेता बो रखा है उसने भाई ने, जो पता नहीं भाई कहाँ से लेके बोया। और इसकी पहचान दिखाता हूँ भाइयों, कुछ क्या पहचान है। ये देखो भाइयों, ये लाइनिंग बताई कि यहाँ थोड़ी गहराई हो है, और ये ऐसे जो है गांठ इसकी जो है आंख इस तरीके से हो है, ये तोते की तरह से जो है आंख है इसकी, और ये पूरी है भाइयों इस तरीके से, और ये लगभग 5.5 फुट का गन्ना है फिलहाल। जुलाई में गन्ना बोया हुआ है भाइयों, जुलाई में पता नहीं कहाँ से बीज उसको मिला किसान भाई को, और उसने ये गन्ना बोया। ये 11015 वैरायटी है भाइयों, और आज इसकी बुआई कर रहे। ये थोड़ा ही बीज मिला, ये दिखा रहे भाई, ये 1.25 बीघे जगह है भाइयों, और ये बरसीन उखाड़ कर और इसमें जो है तैयारी करी, और जगह नहीं थी हमारे पास, और इसमें आज बुआई कर रहे और बीज की कटिंग कर रहे। ये 2 आँख की कटिंग करेंगे भाइयों, ये देखो 2-2 आँख की कटिंग करेंगे। और इसे देखते हैं भाइयों इस बार ये कैसा निकलेगा कैसा नहीं। ये बहुत ही ज्यादा चर्चित वैरायटी है, बस हमने भी सोचा कि मका भाइयों थोड़ी सी बो कर देखते हैं इस वैरायटी में कितना दम है। तो शेरमाऊ मिल के किसान भाई से बीज लेकर आए, उनका ये कहना है 11015 वैरायटी के बारे में के भाइयों इस वैरायटी में रोग खूब है, और भाइयों हम तो इसी वजह से इसको बो रहे के भाई ये चर्चित वैरायटी है, बो के देखेंगे खुद अपने खेत में कि इसका क्या रिजल्ट रहे। शेरमाऊ के किसान तो ये कह रहे कि भाई रोग है इसमें खूब, और हाइट आपने देख ली, जुलाई का बोया हुआ गन्ना बता रहे, 5-5.5 फुट की हाइट है। ये बीज लेकर आए, छोटा छोटा बीज है, इस बीज की इतनी ज्यादा मांग है कि 2-2 बार काट के बेच रहे। अब जो असोजी गन्ना बोया उसका बीज भी अप्रैल में दोबारा काट के बोलेंगे लोग,
तो इस तरीके से इसकी बुआई कर रहे हैं भाइयों, आज इसकी बुआई कर रहे और इसका सब कुछ ट्रीटमेंट करके और बोएंगे। ये देखिए दोस्तों गौतम भैया का कवर, ये वीडियो देखते नहीं चलो मैं देख कर जर्सी ना काटिए। खात में क्या क्या दवाई मिला रहे बुआई के समय? ये कौन कौन सी है भाई दवाई? दवाई है जी। अच्छा, और रिजेंट और 100 ग्राम है थायो। अच्छा थायो, हाँ जी। एक बीघे में और कंची पे करूँगा हारू के नाम तो दवा है वह करूँगा उसकी स्प्रे। अच्छा, उस मसल पर की मात्रा ज्यादा है यार, एक हो रहा है साल्ट उसमें। हाँ। अच्छा, 2 दड़ी डाली। हाँ, 2 किलो रिजेंट है। अच्छा, रिजेंट है 2 किलो। हाँ। अच्छा नहीं, ठीक है कॉम्बिनेशन इतना। एक बीघा का एरिया है हमारा। हाँ चलो, नहीं एक बीघा में तो ये बहुत है। ये देखो भाइयों, अब इसे एक जो है खाद घेरेगा और लगभग पूरा हो गया और आकर्षित जो है आखिरी का खूट बो रहा है। ये देख लो जी, बुआई होगी और अब खाद घेरेगा, कंप्लीट करेगा और इसमें खाद के बाद स्प्रे करके कंचियों में, उसके बाद इसमें पानी देंगे भाइयों, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके, पैरों से मिट्टी करेंगे इस पर। ये देख लो जी। तो भाइयों, ये आज गन्ना बुआई के दौरान की वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई, 11015 वैरायटी बोई भाइयों। इस साल देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा इसका। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।